मम्मी जायका में आज हम बनाने जा रहे हैं रमजान स्पेशल चिकन कांडी या चिकन स्टिक। आप इसे एक बार बनाएं और महीने भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। चिकन कांडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, इसको इस तरह से कटवा लिया था। ये देखिए 1.5 इंच के टुकड़े हैं ये। इसको मैंने धो के उसका सारा पानी निकाल लिया। इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कुछ हरे मसाले पीसने के लिए लिए। 1 टेबल स्पून पुदीना है, इससे स्टिक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। 1/2 कप हरा धनिया है, 3 से 4 हरी मिर्च है और 1 नींबू है। इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए हमने हरे मसालों को पीस लिया, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाले। चिकन के अंदर इन हरे मसालों को डालेंगे, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून यानी 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक डालेंगे। ये छोटा चम्मच है, आप नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक लें। इन सबको अच्छे से मिला लेना। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के लगभग 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं। मैरिनेट करने से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी से गल जाएंगे। 2 घंटे हो गए, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। ये हमने इस तरह की सिल्लियाँ ली है, आप चाहें तो लोहे के तार भी ले सकते हैं। इसको मैंने 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि ये तेल में जाके जले नहीं। एक स्टिक इस तरह से लेंगे, चिकन का पीस इस तरह से उठाएं और इसमें इस तरह से डालें। इस तरह से दबा दें इसको। ये हमने ब्रेड क्रम्स लिया, इसके अंदर स्टिक को रखेंगे और ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। इस तरह का कोई चम्मच ले ले या छुरी भी ले सकते हैं। ब्रेड क्रम्स को इसके स्टिक के ऊपर इस तरह से डालेंगे, इस तरह से प्रेस करें, थोड़ा अच्छे से प्रेस करें। इसे दिखने में भी अच्छे लगते हैं और आपको फ्राई करने में भी आसानी होगी। ये देखिए सारी स्टिक को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारी चिकन स्टिक को बना लिया। आप इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें या फिर जिपलॉक वाली थैली भी ले लें, उसके अंदर इस तरह से स्टिक को डाल के और आप 1 महीने के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान से पहले इस तरह से स्टोर करके रखें और वक्त बचा के और इबादत करें। ये मैंने 1 अंडे को फेंट लिया, इसके अंदर स्टिक को इस तरह से डालेंगे, अच्छे से कोट कर लें। ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। स्टिक को इस तरह से रखेंगे, एक मिनट के बाद इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी एकदम स्लो गैस पे चिकन गलने तक पकाएंगे। ये हमने सारी स्टिक को सेलो फ्राई कर लिया, इसको हमने उलट पलट के 4 से 5 मिनट फ्राई करा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। चिकन कांडी के साथ खाने के लिए फटाफट हम एक डिश बना लेते हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच हरी चटनी ली, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च और लहसुन और नमक को डाल के पीस लिया था, ये डालेंगे। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और 3-4 चम्मच मेयोनीज डालेंगे। आप चाहें तो पानी निकला हुआ दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लें। देखिए ये हमने डीप तैयार कर लिया। चिकन स्टिक को भी हमने सर्व करा, इसके साथ थोड़ी सी प्याज रखेंगे और नींबू। देखिए
चिकन कांडी को इस तरह से मायोनीज में डीप करें और एंजॉय करें। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।